नमस्कार, मिश्रा साइंस सेंटर में आपका मनीष मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का अगला पार्ट लेकर के उपस्थित हूं। और केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो सॉल्यूशन चल रहा है, सॉल्यूशन यानी कि चैप्टर टू चल रहा है और चैप्टर टू का आज तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, यानी तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने एक मजेदार, दमदार और जो है शानदार कोटेशन होता है। कोटेशन को आप अपने लाइफ में, जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। थैंक यू। देखिए कोटेशन क्या है। जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है वक्त उसका आज है। मनीष न देख के बीच में कितने तूफान हैं, मनीष न देख के बीच में कितने तूफान हैं, तू तो भरी बारिशों में उड़ने वाला बाज है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन नाम का, जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका तीसरा भाग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि सांद्रता के पद क्या थे और सांद्रता के पद में हम लोग क्या क्या देख लिए। द्रव्यमान प्रतिशत को देखे थे, आयतन प्रतिशत को देखे थे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट प्रति मिलियन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सांद्रता का पद का, वो है पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं पार्ट पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो PPM, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे PPM, ठीक है दोस्त। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि जो आयतन प्रतिशत हम लोग निकाले थे उसमें जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन क्या था कि 20 ग्राम में हम लोग को 20 ग्राम जो NaCl था उसको घोलना था 160 ml में, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो 160 ml का होगा दोस्त, ठीक है, उसके लिए वेरी वेरी श्योरी। और आज जो है मिस्टेक नहीं होगा, आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। देखते हैं कि पार्ट प्रति मिलियन क्या है, ठीक है। तो अगर हम ppm की बात बोलें कि ppm का अगर फॉर्मूला लेंगे कि ppm बराबर क्या होगा, तो ppm बराबर जो होगा वो होगा बिले का द्रव्यमान, ध्यान से देखिएगा, बिले का द्रव्यमान। बिले आप समझ रहे हो कि छोटा वाला भाग को क्या बोलते हैं, बिले बोलते हैं, यानी कि जिसको मिलाया जाता है और जिसमें मिल जाता है, तो जिसको मिलाया जाता है उसका भाग क्या होगा, कम होगा, उसको हम लोग बिले बोलेंगे, ठीक है। तथा बिले का द्रव्यमान बटा क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान दोस्त। तो बिलियन का द्रव्यमान यहां पे लिख लो, बिलियन का द्रव्यमान। और वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे हम लोग कर रहे थे गुना सौ, वहां क्या कर रहे थे गुना सौ कर रहे थे, यहां पे हम लोग को क्या करना है गुना में 10^6 कर देना है दोस्त। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको मन से ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूला से अगर डिफिनेशन लिखें कि भाई ppm क्या है, पार्ट प्रति मिलियन क्या है, तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग इसका कोटेशन, ये क्या बोलते हैं परिभाषा, कि किसी विलेय पदार्थ के, इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। किसी विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ यानी कि जो घुल जाएगा, विलेय पदार्थ के भागों को, जो भी विलेय पदार्थ के भाग होगा को वह या की करो सॉरी भागों की वह संख्या है, वह संख्या है जो, यानी कि विलेय पदार्थ के भाग का वह संख्या है जो किसी बिलियन के, जो किसी बिलियन के, तो बिलियन कैसा होगा आई डोंट नो दिस, बिलियन के 10^6, बिलियन के 10^6 क्या मिलियन, 10^6 का मतलब क्या होगा 10 लाख की बात बोला जा रहा है, के भागों में उपस्थित होता है, मिलियन 10^6 भागों में उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे पार्ट पर मिलियन कहेंगे, उसके क्या कहेंगे पार्ट पर मिलियन कहा जाता है दोस्त,
ठीक है, पार्ट पर विलयन कहा जाता है, यानी कि विलेय पदार्थ का वह संख्या जो 10 के पावर 6 भागों में उपस्थित होता है, यानी कि विलयन उपस्थित होता है उसमें जाके वो घुलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, पार्ट पर विलयन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इससे रिलेटेड एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ठीक है, बहुत आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है कि समुद्री जल है, क्या है, समुद्री जल है और उस जल के प्रति किलोग्राम में, मान लीजिए समुद्र है और उस समुद्र में प्रति किलोग्राम में 5.8 × 10⁻³ ऑक्सीजन घुला गया है, कितना घुला गया, 10.5.8 × 10³ ऑक्सीजन को घोल दिया गया है। तब यहाँ पर पूछेगा कोई कि ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए, यानी कि ऑक्सीजन का पार्ट प्रति मिलियन निकालना है कि क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, लिख लीजिए इसको, कि समुद्री जल में प्रति किलोग्राम क्या बोलेंगे, में कितना उपस्थित है ऑक्सीजन, में 5.8 × 10³ ऑक्सीजन घुला होता है। तो ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करें, ये सवाल है आपका। ठीक है, तो वेरी इजी, आपको पता है सॉल्यूशन आप कर सकते हो बहुत आसानी से दोस्त। यहां पे क्या देखना है, समुद्री जल है तो मतलब क्या है, जल ही तो है, इसमें प्रति किलोग्राम यानी कि समुद्र में प्रति किलोग्राम ऑक्सीजन को डाल दिया है, तो प्रति किलोग्राम में ऑक्सीजन कितना है, 5.8 × 10³ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सवाल जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज होता है, पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को निकालना है। ठीक है, यहां पे देखिएगा, तो विलेय का द्रव्यमान जो होगा, विलेय क्या है, समुद्री जल है, बहुत ज्यादा होगा किलोग्राम, यानी कि ये विलेय का रूप है, विलेय का द्रव्यमान यानी कि ऑक्सीजन है विलेय, ये क्या है 5.8 × 10³ है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 5.8 × 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है, ये फॉर्मूला में विलयन का द्रव्यमान, तो जो जल होता है यानी जो जल है जिसमें आप ऑक्सीजन घोले, जब ऑक्सीजन जल में जाता है तो ऑक्सीजन एक्चुअली घुलता नहीं है, ऑक्सीजन जो है वहां पे घुलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जहां पे भी जल का जो स्पेस होता है उस स्पेस में जाकर ऑक्सीजन क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, वो घुलता नहीं है दोस्त। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम विलयन की बात करें कि विलयन जो होता है, विलयन का जो द्रव्यमान होगा, यानी कि जल जिसको बोलेंगे, जल का जो द्रव्यमान बोल रहे हैं यहाँ पे, वो क्या होगा, यानी कि ppm की बात जहां बोला जाता है, तो प्रति क्या है, प्रति यानी पार्ट प्रति मिलियन की बात कर रहे हैं, यानी कि ढेर सारे में, मान लीजिए 1 kg जल में ऑक्सीजन को घोल दिया जाए, तो 1 kg जल में जब ऑक्सीजन को घोला जाएगा तो 1 kg जल का मतलब क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन को घोल दिए, यानी कि 1 kg का मतलब क्या होगा, 1000 ग्राम में हम ऑक्सीजन को घोले, कितना मतलब है 1000 ग्राम, तो जो आपका जल होगा वो 1 kg होगा और उस 1 kg में आपको घोला गया, 1 kg को हम लोग ग्राम में बदल दिए, यानी 1000 ग्राम में ऑक्सीजन को घोला गया है, क्यों, क्योंकि ग्राम ये था तो हमको भी ग्राम मिलाना था, 1 kg हम लोग लिए थे, तो हम लोग 1 kg की जगह पर क्या लिख देना होगा, 1000। तो ppm का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶ होता है, वेरी इजी। तो ppm जो होगा फाइनल 5 × 10⁻³ बटा ग्राम, 1000 ग्राम गुणे 10⁶, यही तो है। अब यहां से जो है जब आप इसको ये कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 5.8 ppm आ जाएगा, फाइनल इसको काटोगे तो 5.8 ppm में आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप ये चीज समझ रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं, मन से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आएगा पूरा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। टीपीएम समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा आपको किड्स में भी कि विलेय क्या है। विलेय जो है किसी पदार्थ का एक संख्या है जो बिलियन के 10 के पावर 6 भागों में जाकर के घूमेगा, यानी 10 के पावर 6 में। वहां पे कितना में था, यानी वहां पे हम लोग 100 में घूम रहे थे, यहां 10 के पावर 6 में घूम रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग पार्ट पर बिलियन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आसानी से देखिए सब समझ में आ जाएगा दोस्त, आई होप कि आपको यही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं सांद्रता के पद का अगला भाग, वो भाग है मोल अंश या मोल भिन्न बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत आसान है टॉपिक, मोल अंश या मोल भिन्न बोलेंगे इसको, इसका इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं दोस्त, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। बहुत आसान है, इसका वर्जन जो है यहां पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मान लिया जाए कि जो मोल अंश है, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा देख लीजिए पहले लिखावट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार फिर से देख लेना हेडिंग मोल अंश या मोल भिन्न, इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। चलिए कोई बात नहीं, होता है टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा। चलिए शुरू करते हैं, ये मोल अंश क्या है ये चीज आप लोग देख लो। मान लीजिए कि कोई बिलियन है, ठीक है, और उस बिलियन को दो पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। कितने पदार्थ से बनाया जाता है, दो पदार्थ से। तो अगर यहां पे मान लिया जाए कि ये आपका बिलियन तैयार होगा, ठीक है, ये बिलियन है और ये बिलियन जो है दो चीज से बना होगा। तो एक चीज को मान लीजिए कि ये जो है बना है, एक ए से बना है पदार्थ, एक ए है और दूसरा का जो है वो पदार्थ क्या है, बी से बना है। अब यहां पे इस बिलियन से प्राप्त जो आपका मोल अंश होगा वो मोल अंश आपको निकालना है, ठीक है। तो मोल अंश जो होगा यहां पे हमको देखना है कि जो विलेय होता है और जो विलायक होता है, हो सकता है कि ए भी विलेय हो सकता है बी भी विलेय हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ए जो है विलायक भी हो, अभी हो सकता है कि बी भी विलायक हो, दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं विलेय, मान लिया जाए ये विलेय है, तो विलेय क्या है, ए जो है ए के मोल अगर हम पूछे ए का मोल कितना होगा, तो ए का जो मोल होगा हम लोग को इसको लिखते हैं एन ए के रूप में, ठीक है। विलायक की अगर बात बोले, विलायक की बात बोले तो विलायक क्या हो जाएगा, जब विलेय को हम लोग ए माने तो विलायक क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी का जो मोल होगा, बी के मोल को हम लोग लिख सकते हैं एन बी के रूप में, ठीक है। तो अब यहां पर पूछेंगे कि ए का मोल अंश क्या होगा, तो ए का जो मोल अंश होगा वो होता है, मान लीजिए कि जो जिसका निकालना रहता है उसका मोल बटा जो विलेय है या बिलियन है उसका दोनों का योग, ठीक है। देखिए ए का मोल बटा बिलियन का कुल योग, जो बिलियन होगा उसका कुल योग कर देंगे। तो यहां से निकाल लीजिए ए का मोल क्या है, एन ए है, बिलियन का क्या होगा, तो ये और ये दोनों मिलकर के बिलियन बनाया, तो एन ए प्लस एन बी। तो ए के मोल अंश को हम लोग एक्स ए से सूचित करेंगे, ठीक है। तो एक्स ए बराबर हम लोग निकाल लेंगे फाइनली, ठीक है। अब बी की बात बोले, बी का मोल अंश बराबर निकालना होगा, तो जिसका निकालना होता है उसको क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं बी का मोल बटा बिलियन का कुल योग, यहां पे क्या करोगे कुल योग। तो बी का क्या है, बी को चार से सूचित किया हम लोग एन बी से, तो यहां पे लिख देंगे कि एन बी बटा बिलियन का योग एन ए प्लस एन बी को, और बी को हम लोग क्या सूचित करेंगे एक्स बी से। तो दोनों के लिए हम लोग मोल अंश निकाल लिए दोस्त, ठीक है। हम लोग क्या निकाले, दोनों के लिए हम निकाले, ए के लिए भी निकाल लिए और
डी के लिए निकाल लिए। अब यहाँ दोनों को मिलाइए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए यानी कि ए और बी का मोलर सबको पता हो गया, तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा वो निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी, तो एक्स ए का मान कितना है तुम्हारा, यहाँ पे देख लीजिए एक्स ए एक्स बी, एक्स के लिए कितना आया है, दिस आया है, तो एन ए बटा एन ए प्लस एन बी इक्वल टू एक्स बी का मान क्या है, दिस है, बी बटा एन ए प्लस एन बी, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी आएगा, दोनों सेम है तो ठीक है, एन ए भाग दीजिएगा तो एन बी आ जाएगा, तो ये क्या होगा, दोनों सेम है तो क्या होगा, कैंसिल, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा, वन के बराबर हो गया, बराबर क्या होगा वन, तो यहाँ पर निकालेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, यानी कि आप कह सकते हो कि विलयन जो है अगर एक और दो पदार्थ यानी एक दो पदार्थ मिलकर बनते होते हैं तो उसका जो मान होगा वो मान क्या होगा, एक के बराबर होगा। दोस्तों आई होप कि समझ में आ रहा है, मोलन साहब का आ गया कि अगर विलयन जो है दो चीज से मिलकर बना है तो वो दोनों चीज का जो मान आएगा वो क्या आएगा, एक के बराबर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि ये जो है आपका ए और बी पदार्थ से मिलकर बना होगा, ये चीज तो देख लिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये विलयन जो है तीन चीज से मिलकर बना हो यानी ए बी और सी से मिला होगा, तो क्या यहाँ पे विलयन जो है दिख रहा है कि ये जो विलयन बना एक के बराबर हो गया, तो क्या तीन पदार्थ जब मिलेगा तो तीनों का जो विलयन का जो मोल फ्रैक्शन होगा और मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश क्या एक के बराबर होगा, तो देखते हैं अगला स्क्रीनशॉट कीजिए इसको, इसके बाद मिलाते हैं तीन गो पदार्थ को। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है दोस्त, आसानी से देखिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिएगा, यहां पे मान लीजिए यहां पे एक और पदार्थ को मिला दें, सी है ये पदार्थ, बी है, तो बी ए के मोल का ये आपको ए के रूप में लिख लिए मोल, बी के मोल लिख लिए और सी के मोल लिख लेंगे, तो यहां पे लिख लीजिए पहले ए बी सी को, ए के मोल बी के मोल और सी के मोल, तो इस चीज को हम लोग एन सी से सूचित कर दिए फाइनल, तो बिलियन का टोटल योग क्या हो जाएगा, तो बिलियन का कुल योग डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो कुल योग क्या होगा बिलियन का, तो ए बी और सी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एन ए एन बी और एन सी लिख देंगे, आई होप कि आप समझ रहे हो। ठीक है, अब वहां पे क्या देखते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अब यहाँ पे फॉर्मूला पे चलते हैं कि ए के लिए अगर हम निकाले कि ए के लिए मोल अंश क्या होगा, बी के लिए क्या होगा और सी के लिए क्या होगा, तो तीनों को हम लोग निकालने के बाद हम लोग को फाइनल जो आंसर आना चाहिए कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो आपको देखते हैं कि एक आता है कि नहीं आता है, तो निकालते हैं ए के लिए। ठीक है, ए का मोल अंश, तो जिसका हम लोग निकालते हैं उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, आई होप कि आप समझ रहे हो, तो ए का मोल अंश यानी कि ए के मोल बटा बिलियन का कुल योग, बिलियन का कुल योग। ठीक है, तो ए के मोल के लिए हम लोग क्या यूज किए, एन ए लिख लेंगे, एन ए प्लस बिलियन का कुल योग क्या होगा, दिस होगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये एक्स ए आ गया दोस्तों फाइनल। इसी तरह बी का निकाल लू, बी का मोल अंश क्या होगा, बी का जो मोल अंश होगा वो क्या होगा, बी के मोल बटा बिलियन का कुल योग होगा, तो बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एक्स बी बराबर में हमको पता चला। ठीक है, सी बराबर भी अगर हम यहां निकाले, सी बराबर यहां निकाल लेते हैं, सी का मोल अंश निकाल लो क्या हो जाएगा, तो जो जिसका निकाल रहे उसको ऊपर लिखते हैं, तो सी का मोल बटा बिलियन का कुल योग। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, फाइनल अगर लिखना होगा तो एन सी, सी के लिए क्या होगा, एन सी बटा एन ए एन बी
एन सी, एक्स सी भी पता चल गया हम लोग को। अब ये तीनों समीकरण को क्या करना है, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ये तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आ गया, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी जो है वो क्या हो जाएगा, एन ए बटा एन ए एन बी एन सी प्लस एन बी एन ए एन बी एन सी प्लस एन सी एन ए एन बी प्लस एन सी। ठीक है, यहां से इस चीज को देखिएगा यहां से। अब ये क्या करना है दोस्त, कि ये तीनों का एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एन ए एन बी प्लस एन सी, तो एन ए एन बी एन सी तीनों में दिख रहा है, तो इससे भाग देंगे तो क्या होगा, एन ए इससे भाग देंगे इससे तो क्या होगा, एन बी इसको इससे भाग देंगे क्या होगा, एन सी, तो तीनों तो सेम मिल रहा है, ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर क्या हो गया आपका वन, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी कितने के बराबर है, वन। यहाँ पे भी आपको देखने को मिला कि ये जो मोल है वो बिलियन अगर तैयार होगा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर के, तो उनका जो मान आएगा वो कितने के बराबर आएगा, वन के बराबर आ गया दोस्त। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, अब इससे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा, हरेक जो आपका सांद्रता का पद है उससे रिलेटेड एक दो सवाल कर लो, ताकि ये जो आपका फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला आपके दिमाग में जाकर के बैठ जाए। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड सवाल को देखिए। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए क्या कीजिए कि हर एक चीज को पहले एक बार देख लो, इसके बाद जो है पॉज करके धीरे धीरे नोट्स बना लीजिए दोस्त आप लोग। ठीक है, ताकि आपको जो है आगे जाकर परेशानी ना हो। अब यहाँ पे सवाल हम लोग देखते हैं मोल अंश से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक बिलियन में, एक बिलियन में 16 ग्राम मेथेनॉल एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित है। कोई बिलियन है, उस बिलियन में 16 ग्राम क्या है, मेथेनॉल है, जल कितना है 90 ग्राम है, तब कह रहा है कि H2O और मेथेनॉल का मोल भिन्न या मोल अंश निकालिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख लो, कह रहा है कि एक बिलियन में 16 ग्राम क्या है, मेथेनॉल का फॉर्मूला आता है CH3OH। ठीक है, मेथेनॉल एवं 90 ग्राम जल उपस्थित है तो H2O तथा मेथेनॉल का मोल प्रभाज बोला जाता है इसको, या भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान है, इस चीज को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और फिर क्या निकालना है हमको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके लिखूं कि जो CH3 दिया हुआ है, CH3OH का भार क्या है, यानी कि मेथनॉल का भार क्या है, मेथनॉल का जो भार है वो क्या है, 16 ग्राम, यानी देंगे 16 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं कि जो H2O है, H2O का भार क्या है, इसका जो है 90 ग्राम है दोस्त। कितना है, 90 ग्राम है। आसान है, मन से तन से देखो ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रहा है कि CH3OH का भार 16 ग्राम, जल का भार कितना है, 90 ग्राम है। तो आपको पता है कि अगर हमको इस चीज का मोल अंश निकालना है, तो आप पढ़े होंगे कि मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर अगर फॉर्मूला पूछेगा कि मोल बराबर क्या होता है, तो भार बटा अनुभार होता है। अगर मोल की बात बोलूं कि
कि मोल जो होता है क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार। एक्चुअली हमको मोल अंश निकालना है तो फॉर्मूला तो यूज करना ही होगा, तो मोल बराबर हम लोग को क्या देखना है, भार बटा अनुभार। तो यहां पे आप देखो कि भार कितना है और उस जो उपस्थित है विलयन में उसका अनुभार क्या है, ठीक है। तो यहां इस चीज को देखना होगा कि भार क्या है आपका, इसके लिए भार 16 ग्राम, इसके लिए भार कितना है 90 ग्राम है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले H2O का मोल अंश निकाल लें कि मोल अंश क्या होगा। तो यहां पे देखिए H2O का मोल अंश, H2O का मूल अंश अगर निकालें कि H2O का मूल अंश होगा, तो H2O को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, तो हम लोग क्या डिनोट किए थे फॉर्मूला में, N जिसका निकालना रहता है उसका ऊपर प्लस जो विलयन है उसका दोनों का योग। तो विलयन क्या है, एक है H2O का और एक है CH3OH का। तो यहां से हम लोग का क्या निकलेगा, मूल अंश निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, स्वाभाविक है। अगर यहां से हम लोग निकालें कि CH3OH का भार 16 ग्राम है तो इसका अनुभार निकालें कि CH3OH का मोल कितना होगा, तो CH3OH का मोल निकाल लें तो मोल बराबर क्या होगा, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अनुभार। तो भार क्या है आपका 16 ग्राम बटा अनुभार क्या होगा, अनुभार क्या होता है, देखिएगा अनुभार क्या होता है, CH3OH है का अनुभार निकालें। कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो परमाणु संख्या में जस्ट दुगना यानी कि इसका क्या हो जाएगा 6 × 12। हाइड्रोजन एक है तो यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन क्या है एक है, 8 × 16 प्लस हाइड्रोजन क्या है 1, तो यहाँ जोड़ने के बाद क्या आया 12 × 4 = 16, 16 × 16 = 32, यहाँ पे 32 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मूला है मोल बटा भार, मोल बराबर भार बटा अनुभार। तो जो भार है ऊपर 16 लिखती है, नीचे क्या आएगा, अनुभार कितना आया इसका 32, इसको लिख देते हैं 32, ठीक है। तो 16 × 32 यानी कि 0.5 ग्राम इसका क्या आ गया, मोल आ गया, 0.5 ग्राम क्या आ गया, मोल आ गया। क्यों आया, क्योंकि 1/2 आया तो 1/2 को भाग दीजिएगा 0.5 ग्राम आ जाएगा। इसके लिए अगर H2O का अगर हम निकालें, H2O का जो मोल होगा वो क्या होगा, तो H2O का क्या करेंगे, भार है 90, निकालना है अनुभार, तो यहां से निकालेंगे H2O का अनुभार। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 प्लस ये क्या है 8 × 16, 16 × 2 = 18, तो यहां पे क्या होगा अनुभार क्या होगा 18, 18 × 5 = 90, यानी 5 ग्राम H2O है, यानी 5 ग्राम H2O इस मोल है, ठीक है। अब ये चीज को हम लोग को क्या करना है, मोल अंश बैठा देना है, वेरी इजी। देखिएगा H2O का मोल अंश यानी मोल कितना है 5 ग्राम, तो यहां पर लिख दीजिए इस जगह 5 ग्राम, H2O कितना है 5 ग्राम 5, ये कितना आया है 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम, 6 ग्राम में है, ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहां पे सवाल क्या उठ रहा है, H2O का मोल अंश तो आपको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, वेरी इजी 5/, इसको जोड़िएगा तो 5.5 आया, यानी 5/ क्या आ जाएगा 5.5, तो इसका जो मान आएगा वो 0.91 आना चाहिए, इसका जो मान होगा 0.91 ग्राम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मोल अंश कितना आ गया, इसका इतना आ गया। अब हमको क्या चीज का निकालना है, CH3OH का निकाल लेते हैं, निकालिए CH3OH का मोल अंश, मोल अंश निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालोगे दोस्त अभी समझ में आएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जिसके लिए निकालना रहता है उसका ऊपर लिख देते हैं NCH3OH बटा NH2O प्लस NCH3OH, इसके लिए कितना आया मेरा, इसके लिए जो आया है 0.5 आया, 0.5 ग्राम लिख दे ऊपर, इसके लिए कितना आया 5 आया, इसके लिए कितना है 0.5 आया है दोस्त, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 0.5/5.5 आया फाइनल, इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा फाइनली 0.09 आ गया। अब यहां से XH2O प्लस XCH3 दोनों का क्या पूछा था, H2O तथा CH3OH का मोल प्रभाज पूछा था, तो मोल प्रभाज का मान क्या हो गया, ये इसका ही आ गया,
अब इसका ये आ गया। अब दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो टोटल बिलियन जो है प्राप्त होना चाहिए कितना, तो एक के बराबर आना चाहिए। जोड़ दीजिए, वेरी इजी। इसका लिए मान कितना आया 0.91 प्लस इसके लिए मान कितना 0.09। अब दोनों जो है कितने के बराबर है, एक के बराबर आ गया। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग कोशिश हो गया कि कोई भी पदार्थ, जितना भी पदार्थ मिलेंगे मोल और वो मोल अंश जो है मिल करके एक के बराबर आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी मान कितना आया, एक आ गया। तो आई होप कि ये चीज हम लोग का सिद्ध हुआ कि एक के बराबर होता है। अगर एक से अधिक पदार्थ हो, एक दो पदार्थ हो, तीन पदार्थ हो, चार पदार्थ हो, जो भी हो, उसका मान कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास करो। गलत है फिर भी बताओ, सही है फिर भी बताओ, लेकिन बताना आपको जरूरी है क्योंकि हम जो है आप पर विश्वास करते हैं। आप हमको जो है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको शेयर करना जरूरी है ताकि हम इस चीज को आगे अच्छा से कर सकें। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सांद्रता के पद का अगला पद लेकर के, वो है मोलरता और मोललता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मन से तन से, और इसका क्या करना है, नोट्स बनाना है दोस्त। वेरी गुड, थैंक यू।